कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है, महिलाएं आगे आ रही हैं, वो अपने हाथों से कश्मीर को बदलना चाहती हैं। कश्मीर की फिजाएं बदल रही हैं। मुख्यधारा में अब महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। श्रीनगर के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में हो रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में दिख रही लड़कियों की तादाद बता रही है कि यहां महिलाएं घाटी में हो रही अमन की बहाली का मजबूत हिस्सा बनना चाहती हैं। घर से बाहर निकलकर ये कश्मीर में नए जन्नत की बुनियाद रख रही है। बदलते कश्मीर की मुहिम में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हमारा मोटिव ये है, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हमारा ये है कि हमें कश्मीर को सेफ रखना है। कश्मीर के हालात हम इतना तो नहीं कर सकते, सब हालात तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा अपनी तरह से ट्राई कर सकते हैं बेटर करने की। यहाँ करीब 1300 पुलिस कर्मियों की बहाली के लिए 1500 लड़कियाँ फिजिकल टेस्ट के लिए पहुँची। ये भर्ती प्रक्रिया 2019 में ही पूरी होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में रुकी हुई राजनीति की पहल अब कह सकते हैं हो गई है, और इसका असर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जमीनी सतह पर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये RTC जो है सेंटर है, जहाँ पे ये लड़कियाँ जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।